मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मैं बिल्कुल ना आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।